तो हेलो डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग होपफुली आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है और यार आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाली है ठीक है और इससे पहले मैंने लिमिट टेस्ट के नाम से वीडियो अपलोड कर रखी है ऑलरेडी तो यार उसको जरूर देख लेना क्योंकि उसमें मैंने बेसिकली बताया हुआ है कि लिमिट टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है यानी कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है तो अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे रखी है तो यार उसको आप ज़रूर से देख लेना और बाकी चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यार देखो अब लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड का क्या मतलब है लिमिट टेस्ट हम लोग किस लिए परफॉर्म करते हैं लिमिट टेस्ट इसलिए परफॉर्म करते हैं क्योंकि उसमें हम लोग ये पता लगाते हैं कि इंप्योरिटी ठीक है एक लिमिट से ज्यादा तो नहीं है ठीक है एक लिमिट में है तो कम है ठीक है अगर लिमिट से ज्यादा हो गई तो दिक्कत हो जाती है ठीक है तो हम लोग को यही पता लगाना है कि इस लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में अब देखो क्लोराइड का मतलब क्या है कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड का मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहां पर यह पता लगाएंगे कि जो क्लोराइड है हमारा ठीक है वो इंप्योरिटी के फॉर्म में पहली बार प्रेजेंट होगा इस चीज़ को आप समझिए कि हमारा जो सैंपल है उसमें क्लोराइड की इंप्योरिटी प्रेजेंट होगी अब हम लोग इसमें यह पता लगाएंगे कि क्लोराइड जो है वो कितना अमाउंट में प्रेजेंट है अगर एक लिमिट में प्रेजेंट है तो वो सही है और अगर लिमिट से ज्यादा हो गया तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ठीक है तो उसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे तो वो सारी चीज़ें आज के दिन में मतलब आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तो बेसिकली चलो इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल हमारा लिमिट टेस्ट क्लोराइड का जो बेस्ट है वो है हमारा सॉल्युबल क्लोराइड की ठीक है सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन के साथ यानी कि देखो क्या होता है हमारा जो सॉल्युबल क्लोराइड होता है ठीक है जैसे हमारा जो सी एल माइनस मतलब लाइक हमारा जो सैंपल होगा उसमें हमारे जो क्लोराइड की इंप्योरिटी प्रेजेंट होगी वो हमारे ए जी एनओ थ्री यानी कि सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगी अब सिल्वर नाइट्रेट्स में क्या हम लोग अलग से मिलाएंगे वो अभी हम लोग देखने वाले हैं वो उसका एक अलग पूरा प्रोसीजर है उसी चीज़ को हमें देखना है आज की वीडियो में और जब हम लोग इसको मतलब सिल्वर नाइट्रेट्स के साथ में क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे ठीक है तो ये हमें ए जी सी एल और NO3- में ब्रेक हो जाएगा और ये हमें ए जी देगा यानी कि हमें सिल्वर क्लोराइड देगा ठीक है हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे हमें क्या मिलेगा सिल्वर क्लोराइड और ये सिल्वर क्लोराइड ही हमारा टर्बिडिटी और ओपेलेसेंस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा अब टर्बिडिटी ओपेलेसेंस मतलब थोड़ा धुंधलापन और इसी से हम लोग आइडिया लगाएंगे कि हमारा आ, सैंपल कि जो हमारा सैंपल है ठीक है उसमें क्लोराइड एक लिमिट से ज़्यादा है कि लिमिट से कम है ठीक है अगर ये हमारी टर्बिडिटी और जो ओपेलिसेंस है ये हमारे स्टैंडर्ड से कम हुआ तो वो सही है अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो गया तो हमारा लिमिट टेस्ट फेल कर जाएगा ठीक है तो चलो हम लोग देखने वाले हैं अच्छा एक चीज़ इसमें और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि देखो यहाँ पर आपने अगर रिएक्शन को आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि डायल्यूट एच एन ओ थ्री को भी यहाँ पर मतलब डायलूट एच एन ओ थ्री की प्रेजेंस में ये सारी रिएक्शन हो रही है यानी नाइट्रिक एसिड तो यार अब हम लोग बेसिकली नाइट्रिक एसिड का इसमें क्या रोल है ठीक है नाइट्रिक एसिड हम लोग लिमिटेस्ट फॉर क्लोराइड में क्यों यूज़ करते हैं तो यार नाइट्रिक एसिड का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो हमारे जो हमारा ये सोल्यूशन होता है ठीक है मतलब ये हमारा जो भी रिएक्शन हो रही होती है उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है अब एसिडिक मीडियम में ही ये रिएक्शन होगी ठीक है आप लोगों को ये चीज़ समझने की जरूरत है कि एसिडिक मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन पूरी करवाने के लिए तो ये हमारा नाइट्रिक एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिडिक एजेंट होता है तो ये हमारा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है अच्छा अब इसमें क्या होता है कि नाइट्रिक एसिड हमारा अदर इंप्योरिटीज़ को भी डिजॉल्व कर लेता है लाइक like, देखो अब क्या है कि हम लोग यहाँ पर लिमिट टेस्ट क्लोराइड का कर रहे हैं अब मान लो उसमें कोई और इम्प्योरिटी आ गई तो यार हम लोग को मतलब कन्फर्म आइडिया नहीं लग पाएगा ना कि क्लोराइड का तो उसमें वो अलग इम्प्योरिटी भी अपना मतलब <coughs> अपनी प्रेजेंस शो so करने लगेंगी जिसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी ठीक है तो ये जो हमारा एच एनोत्री होता है वो हमारी अदर इंप्योरिटीज को भी डिजॉल्व कर लेता है ठीक है और यहाँ पर जो थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है तो वो है हमारा ये कॉमन आई

करना है बस ये रिएक्शन याद कर लेनी है ठीक है देखो यार मुझे भी पता है कि आप लोग नए नए हो काफी प्रॉब्लम हो रही है ठीक है देखो सबको होती है बहुत ही कॉमन है बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है मुझे भी हुई थी हम सबको होती है हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में थीके? हम लोग फर्स्ट ईयर में तो बी फार्मेसी यार देखो कुछ फॉर्मेसी के लिए काफी नया कोर्स हो जाता है ठीक है इसमें आप लोगों को काफी नई नई चीजें पढ़ने रहती है तो प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली और यहां पर कई लोग यार हिंदी मीडियम से भी आए हुए हैं तो यार उनको तो बेसिकली ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है देखो यार मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझाऊँ बट देखो यार अब पूरी कोशिश तो जारी है बाकी आप लोग फीडबैक देना कि कैसा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है और यार बताना अगर हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं तो यार ज़रूर आप लोग की बताई टिप्स को हम लोग फॉलो करेंगे और बाकी बिल्कुल भी टेंशन लेने की देखो ज़रूरत नहीं है यार नोट्स ना बहुत ही इजी वे मतलब प्लेटफॉर्म पे हम लोग बना रहे हैं ठीक है ताकि नोट्स में कुछ भी छूटे भी ना और आपको बहुत ही इजी एक मतलब इसमें आपको कोई भी देखो पहली बात हम लोग के नोट्स में आप लोग को कोई भी यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं देखने को मिलेगा ठीक है और मतलब हमारी पूरी कोशिश जारी है कि यार इसको बहुत ही इजी प्लेटफॉर्म पे बनाया जाए तो बाकी चलो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि हमारा कॉमन आयन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ए जी सी एल है यही हमारा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है अब अगर ये प्रेसिपिटेट दोबारा मतलब डिसोसिएट हो गया तो हमारा जो है ये <coughs> मतलब ये हमारा रिएक्शन फेल हो जाएगी ना बेकार हो जाएगी तो ये जो हमारा कॉमन आयन यानी अचरण्री है ये हमारे ए जी सी एल को दोबारा डिसोसिएट होने से बचाता है ठीक है मतलब इसको जो प्रेसिपिटेट फॉर्म मतलब बदलने में प्रेसिपिटेट डेट के फॉर्म में बदलने में ये काफी ज्यादा हेल्प करता है आई होप आप समझ गए होंगे और बाकी यार एपरेटस की बात करें तो देखो हमारा जो लिमिट टेस्ट होता है तो वो उसमें हमारे कुछ एपरेटस रिक्वायर्ड होते हैं ठीक है जैसे कि इन्हीं एपरेटस में हम लोग लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो बेसिकली हमारे तीन अपराटस हमारे लिमिट टेस्ट में यूज़ किए जाते हैं जो कि हमारा पहला होता है नेस्लर सिलेंडर दूसरा होता है हमारी ग्लास रॉड और तीसरा होता है हमारा स्टैंड अब देखो इस चीज़ को मैंने यहाँ पर थोड़ा दिखाने की कोशिश की है देखो अब क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग नेस्लर सिलेंडर लेते हैं ठीक है दो नेस्लर सिलेंडर हम लोग लेते हैं और जिसमें हम लोग लाइक uh, like देखो हम लोगों ने क्या हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दो नेस्लर सिलेंडर लेते हैं एक टेस्ट के लिए और दूसरा वाला स्टैंडर्ड के लिए और दोनों में हम लोग अपना अपना सैंपल परफॉर्म करते हैं ठीक है थीके? इसी में सारी चीज़ें हम लोग ऐड करते हैं और इसके बाद ये ग्लास रॉड क्या होती है कि ग्लास रॉड की हेल्प से हम लोग जो हमारा सोल्यूशन होता है ठीक है उसको मिक्स करते हैं लाइक like हम लोगों ने जब सारी चीज़ें ऐड कर ली तो उसको स्टर यानी हिलाते हैं उसको मिक्स करते हैं और उसके बाद देखो चीज़ें मतलब सारी मिक्स करने के बाद ये स्टैंड है स्टैंड में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आ, सिलेंडर रखने के लिए कुछ स्पेस है तो इसी में हम लोग अपने स्टैंड को फिट मतलब सिलेंडर को फिट कर देते हैं लगभग पाँच से दस मिनट के लिए जितना भी रखना होता है ठीक है और बाकी उसके बाद देखो हमारे जो केमिकल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं हमारे लिमिट टेस्ट में ठीक है तो ये हमारा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लगता है ठीक है और उसके बाद हमारा सिल्वर नाइट्रेट और chloride, सोडियम क्लोराइड ठीक है सोडियम क्लोराइड हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है अभी आप उस चीज़ को आगे देखेंगे अब देखो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को बताया दिया कि कैसे क्या लेना है बट देखो ये सब चीज़ें क्या है ना कि आप लोग को देखो ये सब चीज़ों को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप चीज़ों को समझो आपको एग्जाम में ना बस बहुत ही बहुत ही मतलब काम की चीज़ें लिख के आनी है अगर आप लोगों को सिर्फ पास होना है ठीक है और ये सब चीज़ें बस इसलिए ना कि इस सब इन सब चीज़ों को भी अगर आपने लिख दिया तो वो जामिनर पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है ठीक है आप समझ रहे होंगे अब देखो प्रोसीजर क्या होता है प्रोसीजर देखो इसका यार बहुत ही सिंपल सा है बहुत ही ईजी है अब देखो हमारा जो प्रोसीजर है तो देखो हम लोग क्या करते हैं हम लोग दो टेस्ट परफॉर्म मतलब हम लोग दो सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं ठीक है तो पहला होता है हमारा टेस्ट और दूसरा होता है हमारा स्टैंडर्ड अब देखो यार यहाँ पे सबसे मस्त बात ये है कि जो हमारा टेस्ट और स्टैंडर्ड है उसमें पहला पॉइंट ही डिफरेंस है बाकी सारे पॉइंट एकदम सेम है ठीक है आप समझिए अब देखो इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ देखो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग दो सिलेंडर लेते हैं ठीक है दो नेस्लर सिलेंडर हम लोगों ने लिया अब देखो यहाँ पर टेस्ट में क्या है कि पहले हम लोग क्या करेंगे टेस्ट में हम लोग देखो पहले इसको देख लेते हैं फिर इसमें फिर इसमें आप लोग को मैं बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं तो देखो हमारा जो आ, पहला टेस्ट होता है टेस्ट सोल्यूशन उसमें क्या करते हैं उसमें हम लोग स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेते हैं ठीक है और उसको डिजोल्व कर देते हैं नस्लर सिलेंडर में यानी कि इसमें हम देखो हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग सैंपल लेंगे समझ रहे हो ना आप जिसमें हम लोग की लिमिट क्लोराइड की इंप्योरिटी प्रेजेंट है उसमें हम लोग वो वाला सैंपल लेंगे ठीक है उसको मिक्स कर देंगे और स्टैंडर्ड में क्या करेंगे देखो स्टैंडर्ड में हम लोग स्टैंडर्ड बना रहे हैं लाइक वो वो एक लिमिट है इसी से हम लोग कंपेयर करने वाले हैं चीज़ों को समझिए आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने लिमिट टेस्ट का पहला वीडियो देख के आई उसमें मैंने सब

और उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद हम लोग जो सोल्यूशन होता है उसमें फिफ्टी एम तक वाटर फिल कर देंगे अभी इस चीज़ को मैं आपको पूरा अच्छा दिखाया देखो यहाँ पर समझते हैं हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया बातों को समझिए सबसे पहले हम लोगों ने टेस्ट सोल्यूशन लिया ठीक है टेस्ट वाले ये देखो ये हमारा टेस्ट ये हमारा टेस्ट वाला नस्लर सिलेंडर है और ये हमारा सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया ये हमारा स्टैंडर्ड वाला ओके तो ये हमारा स्टैंडर्ड वाला जो है डेस्टर सिलेंडर हो गया तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐड करेंगे स्टैंडर्ड वाले में और टेस्ट वाले में हम लोग सबसे पहले टेस्ट सॉल्यूशन ऐड करेंगे ठीक है ऐड कर लिया अब उसके बाद क्या करना है कि देखो उसके बाद हम लोगों ने क्या टेन एम एल डायलूट एच ऐड करना है तो उसके बाद जो हमारा डायल्यूट एचन है इसको हम लोग दोनों में ठीक है टेन एमएल इसमें ऐड करेंगे और टेन एमएल हम लोग इसमें ऐड करेंगे ठीक है उसके बाद हम लोग ने कहा डायल्यूट द सोल्यूशन टू फिफ्टी एम एल विध वाटर अच्छा इसका क्या मतलब है कि हम लोग जब ये दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे उसके बाद हम लोग वाटर लेंगे ठीक है और इसको फिफ्टी एम एल तक यानी देखो फिफ्टी एम एल यहाँ पे मार्किंग लिखी होती है तो हम लोग इसमें फिफ्टी एम एल तक वाटर फिल कर देंगे यानी देखो हम लोगों ने क्या किया वाटर लिया और इसको क्या किया इसको दोनों में फिफ्टी एम एल तक फिल कर दिया ठीक है ये हम लोग का ब्लू ब्लू कलर से हम लोग का वाटर फिल हो गया समझ लो ठीक है अब हम लोगों ने फिफ्टी एम तक वाडर फिल कर दिया अब उसके बाद क्या करेंगे देखो उसके बाद हम लोग वन एम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन लेंगे देखो इसी से हम लोग का रिएक्ट करता है ठीक है चीजों को समझ चीजों को मतलब स्टार्टिंग <coughs> से मैच करो कि हम लोगों ने क्या बोला था कि सोल्यूबल क्लोराइड की रिएक्शन होती है सिल्वर नाइट्रेट से तो अब हम लोग का जो सिल्वर नाइट्रेट है हम लोग इसको वन एम ठीक है सिर्फ वन एम ये सारी चीजें करने के बाद एट लास्ट में हम लोग इसको वन एम इसमें ऐड करेंगे और वन एम हम लोग इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद हम लोग इसको पांच से दस मिनट के लिए छोड़ देंगे ठीक है और

देखो इसको मैंने यार थोड़ा पेन से बताने की कोशिश की है कि देखो इसको आप देखो ये ब्लैक कलर को आप धुंधलापन समझ लीजिए तो देखो हमारा टेस्ट का जो ब्लैक कलर है वो थोड़ा सा मतलब धुंधला है मतलब इसकी कंपैरिजन में हल्का है यही चीज़ होती है सबसे मेन चीज़ यही आपको समझने की ज़रूरत है ठीक है कि जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन का जो धुंधलापन है वो हमारे स्टैंडर्ड से कम होगा और जो हमारा तो हमारा लिमिट टेस्ट क्या हुआ पास कर गया समझे आप पास कर गया और उसके बाद अगर हमारा आ, टेस्ट सोल्यूशन का जो धुंधलापन है वो हमारे लिमिट से ज़्यादा हो गया देखो ना इसमें ज़्यादा है ठीक है इसमें ज़्यादा डार्क कलर है तो वो हमारा सैंपल फेल हो गया यानी हमारा इसमें लिमिट टेस्ट में जो है हमारी सोल क्लोराइड की जो इम्प्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो हमारा सैंपल फेल कर गया यानी कि हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे ये सैंपल आगे भेजने लायक नहीं है था क्योंकि ये हम लोग के लिए हार्मफुल है ठीक है और अगर कम है तो वो हमारे लिए सही है तो यार देखो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही था और बाकी नोट्स इसकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना और बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू बाय बाय